السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العلي العظيم ونفعني واياكم بالذكر الحكيم بانو بايو अल्लाह कुरान पाक की इस खूबसूरत सूरत मुबारक सूरत हजर की इस खूबसूरत आयत मुबारक में अल्लाह ने हमसे एक बहुत प्यारा वादा किया अल्लाह ने कहा ये हम अल्लाह जला यानी द रॉयल वी ऑफ अल्लाह हम हैं जिसने ये क़ुरान उतारा है और हम ही हैं जिसने यकीनन इसकी हिफाजत करेंगे अल्लाह ताली ने इस कुरान को सबसे पहले कल्ब महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर महफूज किया फिर उसके बाद आपके खानवादे से लोग चुने फिर उसके बाद आपके नेक में से लोग चुने फिर उनकी अगली नस्लें और उनके तबाह तबाहन और उनके आगे नेक साल, साले असलाफ चलता रहा सिलसिला यहाँ तक कि आज तक जारी सारी है ये अल्लाह बंदे चुनता रहेगा इस किताब की हिफाजत का काम उनसे लेता रहेगा और कोई भी ना रहा तो ये किताब जब तक अल्लाह का वादा है क्यामत के आखिरी दिनों तक जब तक इसने रहना इस दुनिया में ये महफूज है अल्लाह की हिफाजत का वादा है और वो अल हाफिज अल्लाह ताला आज आपके सामने ऐसी एक हस्ती का मैं जिक्र करने वाला हूँ मैं बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैंने कभी इस तरह लोगों के तस्करे किए वाक़ कुछ हुआ ऐसे कि मैं एक्चुअली एक आ, मुझे एक टॉपिक तैयार कर रहा था तो मैंने ना मैंने कहा यार ये मैंने तो तफासिर बड़े दिनों से देखी नहीं, मैं जरा इसको भी निकाल लू ये मेरी अपनी लाइब्रेरी में अलहदुल्ला तो उसकी तीसरी जल्द मैंने उठाई मैं, मैं तैयारी कर रहा था और यकीन माने ये कल का वाकया और आज मुझे खबर आ गई कि जी हाँ अमामा प्रोफेसर डॉक्टर प्र, प्रोफेसर एक्चुअली अल्लामा है आलम दीन और खादिम कुरान खादिम कुरान हाफिज कुरान अल हाफिज हाफिज कुरान इस किताब के खादमों में से एक शेख मुहमद अली असाबुनी डॉक्टर प्रोफेसर उस्ताद हाफिज हाफिज कुरान अली असाबुनी वफ़ा पा गए इन्ना लहराज बहुत दुख हुआ बहुत दुख हुआ बहुत बड़ा एक समझे इलम का असासा जो था ना वो और अपने पीछे वो कहते हैं ना कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा वो दुनिया से गए हैं मगर अपने पीछे सदका जारिया का इतना सामान छोड़ गए कि आप देखें आज जब मैंने आ, मेरा खुतबा था ना तो मैंने सोचा कि मैं ना आज डायरेक्ट इनकी तफसीर से कुछ बातें पढ़ूंगा और मैंने बल्कि आउन्ला, ऑनलाइन जो सेशन किया उर्दू में भी उसमें भी पढ़ी तो जब मैंने इसमें से लफ्ज निकाल के पढ़ा होगा तो उनको सवाब जा रहा है सुबह अल्लाह उनको तो सदका जा चले जा रहा है अकाउंट खुले हुए हैं अल्लाह खबर में जाने के बाद भी खुले हुए और क्यामत तक ये एक अकाउंट खुला रहना अल्लाह इन नेक लोगों की मिसालों से अल्लाह तला हमें भी सबक सिखाए तो ये जनाब इनकी जो कुछ थोड़ी सी खिदमत है ना मैं थोड़ा सा आपको इनकी लाइफ का एक सिनसेस दे देता हूँ मा साहब का आ, उस एक्चुअली उस शेख उलमशाख जिसे कहना चाहिए इनका तारुफ थोड़ा सा मैं आपको बताता चुनिए आपने इनकी जवानी की भी एक यूनिक तस्वीर देख ली सुबह वो ये है ये 1930 में पैदा असल में हुए थे हलब में हलब में पैदा हुए जी हाँ अः याद रखिएगा हलब में पैदा तो हुए हाफिज कुरान बने वहां पर बिल्कुल छोटी उम्र में प्राइमरी स्कूल में थे अभी फिर इन्होंने दुनियावी तालीम भी ली थोड़ी साइंसिस भी पढ़ी जोग्राफिया और ये वो पढ़ा फिर कहा नहीं मेरा अल्लाह ने मुझसे अल्लाह ने कुछ और काम लेना है। फिर ये दीनी की तरफ चल पड़े यहाँ तक के जामिया अजहर से फिफ्टीज़ में इन्होंने अपना जो आलम का वो किया और उसके अलावा भी ख़ुद इनके वालद शेख ज, जमील मेरा ख्याल उनका नाम है आ, अलामा जमील शाह नाम है उनके मतलब आलम के घर हैं और वो आज कल के आलिम नहीं वो सही आलिम बामल लोगों की बात हो रही तो इन्होंने जनाब वहाँ से पढ़ के और, और हलकात से इलम लिया और बताया इस इनके जो मुखारन उन्होंने कि ये एक्चुअली डॉक्ट्रेट के इनकी थी फैकल्टी और इनको फिर उमुल यूनिवर्सिटी मुकरमा देखें कहाँ अल्लाह कैसे बुलाता है उमुल कुरा वालों ने बुला लिया और अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी दोनों मक् मुक्रमा में और ये दोनों जगह पे फैकल्टी में प्रोफेसर बने प्रोफेसर हायर हुए और फिर ये हेड ऑफ द शरिया डिपार्टमेंट भी रहे तीन शरे तीस साल तकरीबन ये वहाँ पढ़ाते रहे और उस तक पढ़ाने के दौरान इन्होंने जब मुशाहिदात किए इन्होंने देखा कि हमारे जो बन रहे हैं उनकी क्या ज़रूरिया उनको क्या चाहिए तब इनकी जो तसानीफ फिर आना शुरू ही ना आहा पचास से ऊपर तसानीफ है और एक और बहुत बड़ा अल्लाह ने इन पर अपना इनाम किया जी हाँ ये इमाम हरम भी रह चुके हैं गेस्ट इमाम अक्सर इनको एज एन ऑनर बुलाया जाता था और इनसे नमाजें पढ़वाई गई हैं ये उस वक्त वीडियो का जमाना नहीं था अगर मुझे अभी तक कोई वीडियो नहीं मिले अगर मिली तो मैं जरूर चढ़ा दूंगा तो ये गेस्ट इमाम होने का भी इनको एजाज है अल्लाह कैसे अल्लाह अपने बंदों को नवाजता है कहाँ हलब कहा शाम और कहा शाम को भी देखें रसूल देखे रसोल्लासम की दुआ है ना तो फिर देखें अल्लाह तला शाम से कैसे कैसे लोग उठाता है ये अलीपो हलब से तो सुबहान अल्लाह तो इनकी कुछ नोटेबल तफासिर जो है ना या नोटेबल वर्क्स कहना चाहिए इट्स नॉट जस्ट इनकी एक्चुअली वर्कनाफासिरचुअल के नाम से किताब दरस नज़ामी की किताबों में टेक्स्ट बुक के तौर पर पाकिस्तान इंडिया में दरस नज़ामी के आलिम कोर्सेज़ में पढ़ाई जाती है जी हाँ अलामा साहब का लेकिन जो सबसे बड़ा इलमी शाहकार है ना वो ये है सफुल तफासिर अब मैं आपको उसका भी जरा दीदार करा दूँ सफवात तफफासिर ये तीन जल्दे नहीं हैं ये समझें समुंदर है तीन जिल्दों के अंदर जो उन्होंने समेट दिया जी हाँ इन्होंने इसके मुकदमे में खुद बताया है। आ, ये काफी बड़ी जिल्द सुबह मैं इसका तारुफ थोड़ा सा करा चुका हूँ फिर बता देता हूँ आपको उन्होंने ना क्या किया कि कि बेसिकली देखा जो कियाब इलम है ना जो बन रहे हैं आलिम वो कहते हैं तीस कुरतबी की छब्बीस या तीस के करीब है तबरी की तेरह जिल्दें हैं उधर इसको तबरी बोलिएगा तिबरी नहीं बाहर महा से लोग तिबरी बोलते हैं वो अः तो तफसीर जो है अलामा इबन जरियर की फिर इबन का हम किस तरह सब खत्म करें ये तो सौ जल्दी इन्होंने फिर उन सब का अर्क के ना तीन जल्दों में जमा कर दिया कौन कौन सी हैं जी अच्छा मासूर और माकूल तफसीरें दोनों को इकट्ठा किया इसमें इन्होंने जी हाँ जिसमे दलायल अः वाले भी और आसार साहबा और सलफ का फहम भी रसुल्ला की हदीसें और सलफ का फहम सारा अंदर डाल दिया जी अतबरी अल्काफ अलतुबी अल आलूसी इबन कसीर अलबहरमीत वगैरह और भी हैं इसमें जो लोग ये कहते हैं ना इबन कसीर तबरी की नकल है बहुत बहुत बेवकूफ़ी की बात करते हैं नकल नहीं है वरना इतना बड़ा अमामा उस्ताद इबन कसीर और तबरी को किटना डालता है इन्होंने कहा फिर मैंने हर चीज़ को उसमें से रिव्यू करके स्टडी करके फिर मैंने जो है ना सेलेक्ट किया जो इसमें मैं जैसे कहते हैं ना अर्क क्रक्स जमा किया बड़ी तहकी के साथ और इतने साल लगाए इन्होंने इस काम पर उस साल कहते हैं मैंने सारा काम और छोड़ दिया था बस इसी पर था कि ये तैयार होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह तो इससे उलमा और आमा सब भी इस्तफा उठा सकते हैं फ़ायदा ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला अच्छा जी उसके बाद जब इन्होंने ये काम कर लिया इसके साथ इन्होंने एक और बड़ा काम किया जो शामी हमारे दोस्त हैं कि बड़े इज लोग हैं बड़े मोटिवेशनल किस्म के लोग होते हैं गुड वे uh, जो अच्छी मिसाल है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ जो अच्छी मिसाल है वो ये आपके सामने जिंदा मिसाल है जी साबूनी साहब की इन्होंने वहां पे जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग थी ना रे आलमी जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा इस्लामी दुनिया पे असर था इसकी बड़ी खदमात है रबी पे कभी अलह से हम प्रोग्राम करेंगे ही इज वन ऑफ द पाइनियर्स जिसे कहते हैं ना ऑफ लीडरशिप में थे फिर इसके बाद इन्होंने ये जो है ना हिजाज को ख़ैर खैरबाद किया उसके बाद जो आखिरी इनके जो थे ना कुछ अशर जिंदगी के वो इन्होंने तुर्की में गुजारे जंग से पहले शाम फिर तुर्की की तरफ तुर्की में इनका एक बहुत बड़ा विला था वो विला पूरा का पूरा इन्होंने वक्फ कर दिया अल्लाह के लिए और वहाँ हजारों सैकड़ों तलबा पढ़े मैं एक अरबी में वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक शेख बता रहे थे वो भी डॉक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर काफ़ी ज़यीफ है वोल्ला उनकी जिंदगी में बरकत दे आफियत दे वो बता रहे थे कि इनके जो सिर्फ हाफिज स्टूडेंट बने ना इनके इस्टेब्लिश किए हुए इंस्टीट्यूट्स इन में इन्होंने अपने घरों को इंस्टीट्यूट्स में बदल दिया जंग शाम की जंग के बावजूद इन्होंने देखे दीन की जहाँ आप कहते हैं ना देर इज विल इज़ ए विल देर इज ए आपकी विल है ना इंटेंशन है अल्लाह रास्ता दे देता है इन्होंने जो इनके पास घर और ज़मीनें थी वो लेकर उन्होंने सारा वो वक्फ कर दिया पढ़ाओ यहाँ पर इधारे यहाँ खोलो ने कहा तुर्की में इनके लाखों हाफिज हुए इनके हाथों इनके अंदर अकबर अल्ला तो अल्लाह ताला इनको उसका अजर देगा खैर खैरकम अल कुरान व में सबसे अच्छा वही जो कुरान सीखता है और सिखाता है तो ये जी इनकी कुछ खदम हैं हजारों लाखों इनके तालब इलम है पूरी दुनिया में और सदका जारिया इनकी ये किताबे बहुत किताबें और भी हैं बड़ी तफासिर हैं आ, बड़ा बड़े काम है एक सिक्स वॉलीम्स तक का एक काम था जो बिल्कुल आउट ऑफ प्रिंट था मानिय कुरान जिसको इन्होंने खुद उसकी एडिटिंग और उसकी रीप्रिंट में बहुत बड़ा इन्होंने वो भी इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और भी बहुत सारी इनकी किताबें तफासिर हैं आ, जो है ना तो बस लिस्ट इज बिग अल्लाह तो बस ये मैं आपको मुख्तसर साहब को इन मैंने बताया आखिरी इनके बारे में एक बात कहूँ कि एक ना एक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट है वो कोलेब्रेशन करता है जॉर्डन की किसी यूनिवर्सिटी या इदारे के साथ तो उन्होंने एक 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ दिस सेंचुरी कंपाइल किया ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी साहब जो हैं ये अलामा मरहूम हो गए इनका उन्होंने नंबर उसमें डाला ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन नंबर पर मेरे ख्याल से अल्लाह की निगाह में इनका नंबर पता नहीं वन प्लस ही होगा कोई हमें क्या पता बहरहाल ये दुनियावी रैंकिंग बता दी कि दुनिया के पाँच सौ सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और चुने हुए जिसे कहते हैं ना रोल मॉडल मुस्लिम्स उनमें से इनको एक चुना गया है अल्लाह ताला का इनके लिए बड़ा ये एजाज़ है दुनिया में कहते हैं दुनिया में जो है ना आपकी रेकग्नीशन ये भी एक दुनिया में अल्लाह ताला आपको एक छोटा सा जिसे कहते हैं ना अजरे वो जल्दी अजर एक छोटा सा दुनिया में भी दे देता है और इससे इनकी शख्सियत पे कोई फर्क नहीं आया आज डाउन टू अर्थ वैसे ही अल्लाह ताला इनको इनकी जो हैं उस पर इनको अजर दे और इनकी खबर को नूर से मुनवर करे और इनको जनतर में यकीन माने ये ही वो लंबी है जिसको ने कहा अल्लाह तला का इनाम है, का है ये मेरी उम्र पर ऐसे लोगों की लंबी उम्र वो दूसरे जो होते हैं वो रदीर उमर होते हैं वो अपनी लंबी उम्र से और गुना कमाते हैं और दो सखीबे रह जाते हैं मगर ऐसे लंबी उम्र वाले लोग नेकिया और हसन कमा के अपने साथ क्या कुछ लेके जा रहे हैं और अपने पीछे सदका जारिया छोड़ के जा रहे हैं कि आप एक एक लफ्ज जब किसी भी इनकी किताब से निकाल के पढ़ेंगे चाहे वो दरसे निज़ामी की किताबें हों या ये हों साठ के करीब तफासिर तो हैं, फिफ्टी सेवन बुक्स तो सवाबी सवाब अल्लाह ताला अल्ला। अल्ला हमें ऐसे लोगों की मिसालों से सीखने की तौफीक दे ताकि हम भी अपनी आखरत का कुछ सामान कर सकें इन शोश में मकाम फरमाए इनके घर वालों को दे। इन जमील दे इनकी खबर को नूर से मुनवर करे और इनको रोजे मह रसूल आपके खान वादा और आपके नएक की सोहबत नसीब फरमाए और हम भी अल्लाह करे वहां इन लोगों के साथ पहुंच जाए रसोला के कदमों में हमें भी जगह नसीब हो जाए जजाक والسلام عليكم وار اس کے ساتھ ایک دعائے مغفرت بھی کر لیتے اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وصلى الله تعالى على النبي الكريم على اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته